लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 6 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन की आशंकाओं ने किसानों को डरा दिया है। हालत यह है कि किसान नई मुंबई की एपीएमसी मंडियों में एक साथ ज्यादा कृषि उत्पाद भेजने लगे हैं। मंडियों में उमड़ रही वाहनों की भीड़ इसका सबूत देती है। जाहिर है नई मुंबई प्रशासन ने भीड़ से बचने का निर्देश दिया, ऐसे में मंडियों में ज्यादा भीड़ कोरोना का बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसे देखते हुए बाजार संचालक शंकर पिंगले ने किसानों से अपील की है कि वे लॉकडाउन की अफवाहों में आकर ज्यादा कृषि उत्पाद मंडियों में मत भेजें। उन्होंने सरकार के हवाले से कहा कि मंडियां चालू रहेंगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य में आज रात 8 बजे के बाद लॉकडाउन की पाबंदियां लागू होने वाली हैं। इनमें एपीएमसी और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। हालांकि किसानों को आशंका है कि कहीं पहले जैसा संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए, वरना कृषि उत्पाद नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए वे अपने उत्पादों को एक साथ मंडियों में भेजने लगे हैं। वासी की एपीएमसी मंडी में दिख रही वाहनों की यह भीड़ इसका सबूत देती है। जाहिर है ज्यादा वाहन आएंगे तो भीड़ होगी, जो कोरोना संक्रमण के लिए खतरा पैदा करेगी। इसे देखते हुए बाजार संचालक शंकर पिंगले ने किसानों से अपील की है कि वे संपूर्ण लॉकडाउन की अफवाहों पर विश्वास न करें। बाजार मंडियां चालू रहेंगी, इसलिए बंद होने के डर से एक ही दिन सारा माल मंडियों में मत भेजें। आइए सुनाते हैं शंकर पिंगले ने और क्या कुछ कहा। अभी क्या हो गया, शुक्रवार शनिचार और सोमवार 3 दिन है, पूरा महाराष्ट्र में सब किसानों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है। और वो लॉकडाउन के माध्यम कारण से किसानों ने खेत से ज़्यादा माल निकल के भेजा है। मैं सब किसानों को, महाराष्ट्र रहेंगे बाहर के रहेंगे, अपील करता हूँ कि लॉकडाउन होगा, निर्बंध आएंगे, लेकिन जो अत्यावश्यक सेवा है वो सरकार चालू रखने वाली। हम लोग भी मार्केट का अलग अलग टाइम करके चालू रखने वाले। मैं सबको विनंती करता हूँ कि ज़्यादा माल आने के बाद ट्रक बढ़ जाते, कस्टमर बढ़ जाते, भीड़ बढ़ती, और अभी अपने को सबको भीड़ कम करनी है। तो मैं ये अपील करूँगा कि मार्केट तो रेगुलर चालू रहेगा, या अत्यावश्यक सेवा में आता है, सरकार की भी यही भूमिका है। मैं सब किसानों को अपील करता हूँ कि आप अभी ये मत सोचो कि पिछले साल बहुत किसानों का नुकसान हुआ, ये भी हमको मालूम है, लेकिन इस साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपका ख्याल करेंगी। आप ये लॉकडाउन का सामने, लॉकडाउन होगा 10 दिन मार्केट बंद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट तो रोज चालू रहेगा, लेकिन अभी हम भी नियमावली से मार्केट चलाएंगे कि जहाँ भीड़ नहीं होना चाहिए। मैं यही सब किसान व्यापारी को अपील करता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।